दोस्तों अगर आप भी रोहित शर्मा और हार्दिक पांड्या को बेहतरीन खिलाड़ी मानते हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों भारत और इंग्लैंड की टीम के बीच में बहुत जल्द शुरू होने वाला है सीरीज का दूसरा T20 मुकाबला, एक नए वक्त के साथ, एक नई जगह पर और एक नई टीम के साथ। क्या होगा वक्त और जगह व टीम आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले आप सभी को क्या लगता है इस मैच को कौन जीतेगा, भारत या इंग्लैंड, नीचे कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। दोस्तों भारत और इंग्लैंड की टीम के बीच में चल रही T20 सीरीज अपने सबसे रोमांचक मोड़ पर आ चुकी है। आपको बता दें कि अब तक तो सीरीज का पहला मुकाबला खेला गया था द रोज बाउल स्टेडियम में। अब यहां पर भारतीय टीम अपना पहला T20 मैच खेल रही थी अंतरराष्ट्रीय स्तर पर। इंग्लैंड की टीम यहां पर 70% जीतने के आंकड़े से मैदान में उतरी, लेकिन रोहित टॉस जीते, टीम के लिए बल्लेबाजी चुनी और आ गए शेर की तरह दहाड़ते हुए अपनी टीम को लेकर। दोस्तों रोहित और रोहित की पलटन ने मिलकर 199 का लक्ष्य रखा, जिसे इंग्लैंड की टीम को चेस करने में पूरा जोर तो लगा दिया लेकिन कर नहीं पाए। मैन ऑफ द मैच बने पांड्या के बल पर, हमने मुकाबले को 50 रन के अंतर से जीत लिया। इस मुकाबले को जीतकर दोस्तों भारतीय टीम ने इस सीरीज में 1-0 की अजय बढ़त को हासिल कर लिया है। लेकिन दोस्तों वक्त है सीरीज के दूसरे T20 मैच को जीतकर इस सीरीज में 2-0 की बढ़त को हासिल करने का, ताकि दोस्तों हम इस सीरीज को 3-0 से जीत पाएं। तभी तो दोस्तों इंग्लैंड की टीम से टेस्ट सीरीज की हार का बदला पूरा हो पाएगा। लेकिन दोस्तों सीरीज के दूसरे T20 मैच के लिए भारत की राहें उतनी आसान नहीं होने वाली। दरअसल दोस्तों मुकाबला उसी मनहूस मैदान में होना है जहां पर हम आज तक एक भी मुकाबला नहीं जीत पाए। आपने सही पहचाना, हम बात एट गबेस्टन की कर रहे हैं। एट गबेस्टन के मैदान पर अभी हम 5 दिन में चला टेस्ट मैच हार कर भी आ रहे हैं। लेकिन दोस्तों इस बार टीम कुछ और है, वक्त कुछ और है और हालात भी। एट गबेस्टन की पिच से तो हम सभी वाकिफ हैं, बल्लेबाजी के लिए पूरी तरीके से सूटेबल है और गेंदबाजी में भी गेंदबाजों को अच्छा सपोर्ट मिल जाता है। लेकिन बात करें अगर इस स्टेडियम की, तो यहां पर मुकाबला एक नए वक्त के साथ शुरू होगा। दोस्तों पहला मुकाबला बड़ा ही अजीब वक्त रात 11 बजे से शुरू हुआ था, लेकिन भारतीय फैंस को राहत मिलने वाली है क्योंकि मुकाबला भारत के समय के अनुसार यानी कि शाम 7:30 बजे से ही शुरू होने जा रहा है। अब दोस्तों मुकाबला एट गबेस्टन में हो रहा है हमारी कंडीशंस के अनुसार, लेकिन टीम्स फिर भी बदलेंगी। जी हाँ दोस्तों, भारतीय क्रिकेट टीम में एक से बढ़कर एक धुरंधर वापस आ रहे हैं, तो इंग्लैंड की टीम में भी आने वाले हैं। आपको बता दें कि इंग्लैंड की टीम में अनुमान है कि बेन स्टोक्स टीम में वापस आ रहे हैं और उनके अकेले से आने से पूरी की टीम की वैल्यू बदल जाएगी। साथ ही जॉनी बेस्टो भी शायद T20 टीम को ज्वाइन कर ले। लेकिन अगर भारतीय टीम की बात करी जाए तो लिस्ट लंबी है और नाम सुनकर इंग्लिश कप्तान जोस बटलर भी भौचक्के रह जाएंगे। दोस्तों आपको बता दें कि विराट कोहली भले ही आउट ऑफ द फॉर्म है, लेकिन ऋषभ पंत टीम में वापसी कर रहे हैं और जड्डू की भी जगह बनाई जाएगी। अब आप ये सोच रहे होंगे कि ये दोनों खिलाड़ी रिप्लेस किन्हें करेंगे। सबसे पहले आपको ये बता दें कि दीपक हुड्डा बहुत अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन ईशान किशन उतना अच्छा नहीं कर पाए, तो हो सकता है कि ईशान किशन की जगह टीम में दोस्तों अब ऋषभ पंत को लाया जाए, क्योंकि ऋषभ पंत फिर फुल टाइम विकेट कीपिंग भी तो करेंगे और सलामी जोड़ी में शायद दीपक हुड्डा को आजमा लिया जाए। लेकिन विराट कोहली की जगह तो अभी फिलहाल T20 टीम में बनती नजर नहीं आ रही और रोहित शर्मा भी चाहेंगे कि वो थोड़ी प्रैक्टिस करें, लेकिन आसार हैं कि दीपक हुड्डा को भी रिप्लेस कर सकते हैं विराट कोहली, क्योंकि रोहित के लिए पहली पसंद विराट ही है। इसके अलावा दोस्तों आपको बता दें कि जड्डू भी टीम में आएंगे। अक्षर पटेल को रिप्लेस करते हुए दोस्तों जडेजा को टीम में जगह दी जाएगी। अनडाउटेडली अक्षर की गेंदबाजी या फिर बल्लेबाजी कितनी बेहतर क्यों ना हो, जड्डू का फील्डिंग लेवल कोई मैच नहीं कर सकता और इसीलिए वो टीम में होंगे। साथ ही क्योंकि अर्शदीप तो दूसरे T20 मैच का हिस्सा ही नहीं है, तो भुवनेश्वर उनकी जगह जाएंगे, लेकिन आसार हैं कि उमरान भी उनके साथ चुपके से टीम में जगह बना जाएं और वो भी दोस्तों हर्षल पटेल की जगह है। हालांकि दोस्तों हर्षल की गेंदबाजी सुपर्ब है, लेकिन उमरान का प्रेशर व असली इम्तिहान लेना है तो फिर तो दोस्तों उन्हें टेस्ट करना ही पड़ेगा रोहित को। तो यही हो सकती है हमारी टीम, एक नए समय एक नए वक्त के साथ स्टेडियम में होगा मुकाबला शुरू। लेकिन आप सभी को क्या लगता है आज इस मैच में किसे जगह दी जानी चाहिए और किसे नहीं, नीचे कमेंट सेक्शन में हमें उस खिलाड़ी का नाम जरूर से बताइएगा और अभी सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल को। धन्यवाद।